चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब सर्कुलर मोशन में आगे पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं, देखो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली थी, अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखने चलते हैं। ये आपका मान लीजिए एक पार्टिकल, मान लीजिए एक आपका पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक पार्टिकल है कोई और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सर्कल का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, ठीक है। अब अगर आप उस पार्टिकल पर बैठकर, उस पार्टिकल पर ही बैठ जाइए, या आप कह दीजिए कि उस पार्टिकल के फ्रेम में जाकर उसको देखें, तो पार्टिकल रेस्ट में दिखेगा आपको, इन फ्रेम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल रेस्ट में हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट में हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होता है, इस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लग रहा होता है। इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप अगर इन फ्रेम ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल में चले जाते हो, उसमें जाकर देखते हो, तो आपका पार्टिकल रेस्ट में दिखता है या महसूस होता है, और रेडियली आउटवर्ड उस पर एक फोर्स लग रहा होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इस फोर्स का, ये भी mv² / r या m ω² r ही होता है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये एक स्यूडो फोर्स है, ये एक स्यूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्यूडो फोर्स है, ये आपका एक स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर वैल्यू कोई पूछे तो आपका mv² / r या m ω² r यही होता है। ये आप अगर देखो तो इस पार्टिकल पर अंदर की तरफ सेंटर की ओर जो फोर्स लगता था वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो भी mv² / r या m ω² r होता था, और रेडियली आउटवर्ड इस पार्टिकल पर जो एक स्यूडो फोर्स लग रहा है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और उसकी वैल्यू भी क्या होती, mv² / r या m ω² r। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं उस पर। हम लोग आज उस पर 3 केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो अभी लेने चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने चल रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक कोई आपका एम मास का पार्टिकल ऐसे है, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, मान लीजिए पार्टिकल का जो मास है m है, और इस डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी अगर इस इंस्टेंट पे देखी जाए तो ये है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी आपको ये बताना है, टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में ये आपको बताना है, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। आपको दिया गया जो स्ट्रिंग की लेंथ है, सपोज कर लो वो l है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l है, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करके बताना है। ट्राई करना चाहोगे आप सब? ट्राई करना चाहोगे? अब बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़े ही हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सर नीचे की तरफ इस पर वेट इसका वर्क करेगा mg, ऊपर की तरफ टेंशन, तो mg बराबर हो जाएगा t। गलत है, टेंशन यहाँ पर mg के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसको बड़े ध्यान से सुन लो। देखिए फोर्स बैलेंस किया जाता है, बड़ी अच्छी बात है, फोर्स बैलेंस किया भी जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फोर्स आप बैलेंस सिर्फ उस डायरेक्शन में कर सकते हो जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। फोर्स बैलेंस उसी डायरेक्शन में किया जा सकता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। अब आप इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस जीरो कर रहे हो, वर्टिकली फोर्स बैलेंस जीरो बैलेंस कर रहे हो, अब वर्टिकली फोर्स बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन ये जो पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी इस समय इस इंस्टेंट पे इस तरफ दी हुई है, इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है एक आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल आपका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल आपका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो इस सर्कुलर मोशन को होने के लिए इस डायरेक्शन में अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, सेंटर की तरफ अंदर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते, यही त्रुटि नहीं करनी है, यही त्रुटि नहीं करनी है। भाई इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, भाई इस डायरेक्शन में अगर नेट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ नेट फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा कितना, एफ नेट कितना होगा, टी ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, तो टी माइनस एम जी ये नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और इसी के कारण ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा, इसी के कारण एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यही जो नेट फोर्स है ना, यही नेट फोर्स इस पार्टिकल को आपका सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है भाई, एम वी स्क्वायर बाई एल या एम वी स्क्वायर बाई आर, ये तो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ पर रेडियस ये कितनी है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है कितनी है, एल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, या टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ये होगी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में ये टेंशन होगी, न कि एम जी। एम जी क्यों नहीं हुआ, समझ में आया? आप फोर्स बैलेंस किस डायरेक्शन में करते हो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन अब अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, विच इज एकदम रियल है, समझ पा रहे हो आप, तो इस डायरेक्शन में आपका कोई एक एक्सेलरेशन होगा, और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते हो, तब आपको नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या यही जो नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा, मतलब इसको प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स रख दिया आपने, टी इक्वल्स टू कितना आ गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। ये ध्यान देना है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब करते हैं हम लोग दूसरा सवाल, अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको एहतियात बरतना है और ध्यान से समझ के उसको सॉल्व करना है, वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, वो भी आपका बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, वहाँ पर भी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अब जो आपके फोर्सेस होते हैं कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, आप समझ चुके, नेट एक्सेलरेशन जिधर जीरो होगा उधर ही आप क्या करोगे, फोर्स बैलेंस करके अपना क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, इस तरीके से सपोज करो कि मान लो यहाँ पर एक कोई एम मास का पार्टिकल है, इसको दो स्ट्रिंग द्वारा लटकाया गया, तो एक स्ट्रिंग इस साइड है आपका और एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, समझ पा रहे हो आप इसको। इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए एल दिया है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितना दिया है, एल दिया है। ये एंगल सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। अगर इस वाले स्ट्रिंग को काट दिया जाए, इस वाले स्ट्रिंग को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, काट दे रहे हैं। अगर इस स्ट्रिंग को काट दे रहे हैं और जैसे ही काट रहे हैं ना, एकदम राइट उस पोजीशन पे जैसे ही काट रहे हैं, उस समय इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन बताना, इस वाले स्ट्रिंग में आपको टेंशन टी कैलकुलेट करना। फिर से क्वेश्चन सुन लो, ये पूरा अरेंजमेंट है, इस वाले स्ट्रिंग को जैसे ही काट रहे हो, जिस इंस्टेंट पे काट रहे हो उस इंस्टेंट पे इस वाले मतलब स्ट्रिंग में टेंशन आपको फाइंड आउट करना है। एक बार ट्राई करिए आप सब करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को काटोगे, जैसे ही काटोगे उस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी, अभी वो लगभग लगभग रेस्ट में रहेगा। इसका वेट नीचे की तरफ एम जी वर्क करेगा, नेट आपका ठीक है। और अगर चाहेगा तो ये ऐसे अपना सर्कुलर मोशन करना, मतलब इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होनी चाहिएगी इसकी, और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे वर्क करना चाहेगा। अब देखो इस डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसलिए इस डायरेक्शन में आप क्या नहीं कर सकते, इस डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो आप, ठीक है ना। चलो अब अगर हम लोग ऐसे समझे कि जैसे ही आपने
इसको स्ट्रिंग को काटा है, जैसे ही स्ट्रिंग को काटा है तो अभी तो पार्टिकल क्या है आपका, रेस्ट में है ना। जब रेस्ट में है तो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, और सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है तो इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ना। हमने अभी क्या किया, जैसे ही स्ट्रिंग को काटा है उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं, उस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल क्या रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो ये आपका जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा वो आपका एसी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर एसी जीरो है तो इस वाले एक्सिस पर या इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो ये एंगल आपका क्या आ जाएगा, थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। mg को रिजॉल्व करेंगे हम लोग, किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, भाई थीटा के साथ mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा। तो यहाँ पर आपका t किससे बैलेंस हो रहा है, t इधर है और नीचे इधर mg cos थीटा, तो t किससे बैलेंस हो रहा है, mg cos थीटा से। तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को काटोगे, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, mg cos थीटा। इस वाले एक्सिस पे या इस वाले लाइन में हमने फोर्स कैसे बैलेंस कर लिया, क्योंकि जैसे ही काटा उस इंस्टेंट पे तो बॉडी रेस्ट में है और इधर नेट एक्सेलरेशन उस समय जीरो है, तो इसलिए हम इसके अलोंग हमने इसको फोर्स को बैलेंस कर लिया और आंसर कितना आया, mg cos थीटा। कितना आया आंसर, mg cos थीटा, ये आपका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, वो है कोनिकल पेंडुलम। क्या है भाई, कोनिकल पेंडुलम, इसको देखते हैं हम लोग। ये कोनिकल पेंडुलम नाम की चीज़ क्या होती है, कोनिकल पेंडुलम। देखो मान लो इस तरीके से कोई आपकी एक बॉडी है और ये क्या कर रही है, ऐसे, ज़्यादा बेकार बन गया, थोड़ा सा अच्छा बनाओ भाई, डायग्राम अच्छा लगता है तो फील आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसे सपोज कर लो। अब थोड़ा सा सुंदर सा बना भाई, हाँ लग तो रहा है ठीक ठाक। ये पार्टिकल मान लो, ये स्ट्रिंग लगा लो, स्ट्रिंग की लंबाई एल ले लो, ऐसे ठीक सेंटर पे ये ऐसे जान दो, ये इसकी इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसका मास एम, आपको बताना है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना होगा ये बताओ। फील कर पा रहे हो कैसे है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, जैसे आपका ये है तो ये ऐसे ऐसे ना, तो आपका ये कोन है, कोन के फॉर्म में बना रहा है, तो ये तो बेस इसका सर्कल है लेकिन आपका ये कोनिकल फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर लेंगे। आओ भाई देखो, स्ट्रिंग में टेंशन टी, ठीक है, ये एंगल थीटा गिवन था, ठीक है, ये एंगल थीटा। अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड करें कि ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा। देखो रेडियस यही होगा ना, यही तो रेडियस होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा ये है, ये एल है, तो आपका थीटा के साथ जो आता है ये एल कॉस थीटा आ जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ एल साइन थीटा, कितना आएगा एल साइन थीटा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, समझ पा रहे हो। तो रेडियस तो हो गया हमारा एल साइन थीटा, रेडियस कितना हो गया सर्कुलर पाथ का, एल साइन थीटा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो ये नीचे की तरफ, ये फोर्स इसका वेट नीचे की तरफ mg ऐसे कार्य करेगा, ठीक है। टी अगर इसको हम लोग ऐसे पैरेलली ड्रॉ करें तो ये कोण थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। टी के रिजॉल्व करो तो इस डायरेक्शन में टी क्या देगा, टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में टी क्या देगा, टी साइन थीटा। और यही जो टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा है, इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड कराएगा, और ये टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये पहला इक्वेशन, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। दूसरा इक्वेशन टी साइन थीटा इक्वल्स टू, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर और आर रेडियस, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा, यही तो है एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है। अब अगर टी की वैल्यू यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी एम जी बाई कॉस थीटा, आ तो जाएगी ना यहाँ से पहले इक्वेशन से। अब पहले इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू कितनी है भाई एम जी बाई कॉस थीटा, इधर कितना बचा एम ओमेगा स्क्वायर एल, पहले इक्वेशन से रख दिया ना वैल्यू, ठीक है। देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दो एल को इधर ले आओ, तो जी बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, ये आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। तो इस कोनिकल पेंडुलम का उसके एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसका वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। समझ पा रहे हो आप लोग, बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया, और आप आशा करता हूँ कि समझ पा रहे हो। अच्छा समझ गए तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्शन उसमें भी लगाना होगा। आइए लेते हैं क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं कुछ डाल दूंगा ऐसा कि आंसर आपका कुछ अच्छा सा बने, कुछ अच्छा सा आंसर बने। आइए देखते हैं हम लोग। सपोज करो कि पहले तो मैं आपका डायग्राम बना दूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, कुछ इस तरीके का, इस पर ये लगी हुई है चूड़ियाँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ऐसे ठीक है, इधर आपका ये कुछ इस तरीके का, और इससे ठीक है कुछ इस तरीके से इधर ले जाना है। डायग्राम थोड़ा प्रॉपर बनता है तो मज़ा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे मान लो कोई एक इंसान है और वो झूले पे बैठा है ना, ये झूला है उसका, ये उसका झूला है, बैठा है सपोज कर लो, मान लो आपको ये बैठा हुआ है, ये डिस्टेंस सपोज करो आपके गिवन है 4 मीटर, सपोज कर लो क्या जाता है सपोज करने में, ये डिस्टेंस 4 मीटर दिए है, ठीक है, ये एंगल सपोज कर लो ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, ठीक है, अरे पक्की बात है, और ये डिस्टेंस हम लोग कितना ले लें, कितना ले ले, ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब ये यहाँ तक का ना पूरा एकदम, ठीक है, इस तरीके का, तो ये डिस्टेंस ये पूरी यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे बना ही देता हूँ, ये डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर, ठीक है, ये इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ये छोटा सा होगा, मैंने ये बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेट है, तो ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर गिवन है, ये अरेंजमेंट है, और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा है रोटेशन हो रहा है, इस तरीके से आपका रोटेशन हो रहा है ओमेगा, और ओमेगा की ही वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ये आपको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन यही आपको फाइंड आउट करना है, और इतनी चीज़ें आपको गिवन है, इतनी चीज़ें आपको गिवन हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको गिवन हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन बताना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन बताना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करेंगे हम लोग सॉल्व, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन बताना है। कुछ लोग पूछते हैं सर इसका मास नहीं दिया है, अरे मास का तो यूज भी नहीं है ना, अगर यूज रहता तो पक्का देता ना, हम पक्का देते, लेकिन यूज इसमें है नहीं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालना है, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकालना है, निकाल लेंगे तो पहले तो रेडियस निकालें, रेडियस कितना रेडियस लगना है, देखो रेडियस कितना होगा पूरा ये डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस होगा, मतलब इतना और प्लस इतना, ये डिस्टेंस इतना और प्लस इतना, तो ये तो 3 मीटर है, ये तो समझ में आ गया 3 मीटर, प्लस ये डिस्टेंस ले लो, तो ये डिस्टेंस देखो आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो कि नहीं, ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो, ये 4 है ये थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा 4 sin 30, ठीक है, थीटा के साथ कॉस और थीटा के परपेंडिकुलर पे साइन, तो 4 into sin 30 1/2 मतलब 2 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 2 मीटर, तो रेडियस आ गई आपकी 5 मीटर, रेडियस तो आ गई आपकी 5 मीटर, कोई तकलीफ है भाई, कोई तकलीफ है नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, यही बना देते हैं,
ठीक है, ये बनाते हैं। इसका वेट नीचे की तरफ mg, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ T, टेंशन ऊपर की तरफ T, टेंशन को इधर रिजॉल्व कर लो, टेंशन को इधर रिजॉल्व कर लो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये कितना आ जाएगा T cos 30 आ जाएगा ना भाई, T cos 30। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन 30, और यही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा आपका सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो आप बैलेंस कर लो तो टी कॉस 30 इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, टी कॉस 30 इक्वल्स टू एम जी। कोई दिक्कत है भाई, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, और ये जो टी साइन 30 है, टी साइन 30 ही क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और रेडियस की वैल्यू कितनी है 5, तो मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 30 बाई कॉस 30 टेन 30, ठीक है, कितना आ गया 30 टेन 30। एक काम करें, कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, आंसर अच्छा लाने के लिए कर रहा हूँ, आंसर प्यारा सा इसके लिए कर रहा हूँ। मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ये एंगल ना 45 डिग्री ले रहा हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है आप लोग को, होनी नहीं चाहिए, बस हर जगह जहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू 30 रखी है वहाँ पे क्या कर देना होगा 45 मेरे दोस्त। नहीं, 45 करने से फिर मज़ा इसका ख़राब हो जाएगा, मज़ा इसका ख़राब हो जाएगा, तो क्या करें, तो 30 ही रहने दे, ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगा दिया मैंने, ठीक है, 30 है 30 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जो आंसर आएगा, गंदा सा आंसर लिखेंगे, तो tan 30 इधर कितना आ जाएगा भाई, m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर 5 बटे में g की वैल्यू हम लोग सपोज करो 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 ले लो भाई, ठीक है, 10 ले लोगे तो ये इससे कट जाएगा दो बारी में, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 tan 30, ठीक है, 2 tan 30, या 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3 इसका अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। मैंने सोचा 10 45 ले लूँगा तो आंसर कुछ अच्छा सा आएगा, लेकिन भाई आंसर तो अच्छा सा आ जाता लेकिन तब जब यहाँ पर ये वैल्यू सेम ही रह जाती, 2 ही रह जाती, तब शायद आंसर 1 आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, 30 पे ही निकाला और ये आंसर आया ना, खड़ूस सा आंसर आया ना ये। लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा है, समझ पा रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन को, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, तीन टॉपिक इसमें हमें कराने हैं, तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है ये बैंकिंग ऑफ रोड, बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। देखो इसमें दो केसेज होते हैं, एक तो होता है अनबैंक रोड और एक होता है बैंक रोड। अनबैंक और बैंक रोड में देखो अंतर क्या होता है, जब अनबैंक रोड होता है ना तो वो चारों तरफ से रोड, आप अगर मान लो सर्कुलर रोड है लेकिन चारों तरफ से वो फ्लैट है, कहीं से उठा नहीं, लेकिन कभी कभी आप हाईवे वगैरह पर देखो बैंकिंग हो जाती है। और उसमें बैंकिंग में क्या होती है कि रोड क्या होती है ना, कहीं से ऐसे उठी हुई है, जैसे आप देखो रोड ऐसे, अगर चारों तरफ ना आपका ऐसे फ्लैट रोड है, ठीक है, चारों तरफ फ्लैट रोड है तो वो अनबैंक्ड कहलाता है। और बैंकिंग रोड की कब हो जाती है, जब ऐसे मान लो ऐसे रोड ऐसे उठा है, ठीक है, ऐसे अगर है लेकिन ये रोड उठा है तो यहाँ पर गाड़ी ऐसे उठ जाती है, और उठने जाती है तो वहाँ पर केस अलग हो जाता है। तो दोनों केस हम लोग पढ़ेंगे, चलो पहले पढ़ते हैं अनबैंक्ड रोड। सपोज करो इस तरीके से आपका सर्कुलर रोड है ये ना, ये रोड है और ये चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ आपका फ्लैट है, कहीं से उठी या दबी नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई गाड़ी मोशन कर रही है ना, अगर मान लो यहाँ पर कोई गाड़ी मोशन कर रही है, गाड़ी बहुत गंदी सी बनाऊँगा, मान लेना ये गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी मोशन कर रही है इस तरीके से आपकी, ये रोटेट कर रही है गाड़ी, जब ये गाड़ी इसको रोटेट कर रही है तो हर मोड़ पर, हर समय ये मोड़ पर है, हर समय क्या है मोड़ पर है। और ये वाला केस आप मोड़ पर भी देखते हो ना, अगर सोचो ये पूरी ना दिखा के हम सिर्फ इतना दिखाते हैं तो ये भी आपका मोड़ ही होता,
जब भी मोड़ पर होती है तो इस पर एक अंदर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है, और वो फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। और इस कंडीशन में ये सेंट्रिपिटल फोर्स आता कहाँ से है, ये आता है फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से आता है। किस फोर्स से आता है, फ्रिक्शनल फोर्स से। रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स किस कौन देता है यहाँ पर, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, टायर और सड़क के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स देता है, टायर और सड़क के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स देता है। समझ पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वही रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग लिमिटिंग केस लें, फॉर लिमिटिंग केस, या फिर ऐसे लिख लीजिए फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, एफ लिमिटिंग, लिमिटिंग फोर्स ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और सेंटीपेटल, सेंटीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इसका रेडियस है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, ये वेलोसिटी मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर मैक्स बटे में आर, ठीक है। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पर आपका फ्लैट सरफेस है तो एम जी नीचे की ओर, ऊपर की ओर आपका एम, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बटे में आर, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू जी आर, म्यू जी आर ये आएगा ना, म्यू जी आर, ठीक है, म्यू जी आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहो तो v मैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू आर जी अंडर रूट में, म्यू आर जी अंडर रूट में। तो ये पहली कंडीशन रही, जब आपकी अनबैंक्ड रोड हो तो वहाँ पर कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर सकता है कोई व्हीकल, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है। आर क्या है, वो जो कर्व है, जो आपका पाथ है उसका रेडियस है। जी आपका, आप समझ रहे हो कि क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैंक्ड रोड ना, बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड रोड में क्या होता है, यहाँ पर दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन तो ये होती है कि जब फ्रिक्शन जीरो हो, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब फ्रिक्शन हो, जब फ्रिक्शन हो। अब बैंक्ड रोड को आपको ऐसे दिखा पाना तो बड़ी मुश्किल सी बात है। आप चाहो तो बैंक रोड अगर गूगल करोगे तो वहाँ पर एनिमेशन के थ्रू आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे, एनिमेशन के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाओगे कि बैंक रोड बेसिकली होती क्या है। देखो लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो, इस तरीके से मान लो कि रोड ना ये आपकी इधर ऐसे उठी हुई है, ठीक, उठी हुई है। तो जब ये गाड़ी आएगी, जब ये गाड़ी चलेगी तो ये आपकी इधर उठी हुई महसूस होगी, और गाड़ी का अगर स्पीड ज़्यादा करोगे तो ये बाहर की ओर खींचती चली जाएगी, और खींचने के लिए जो इस पर फोर्स लग रहा होगा ना, वो लग रहा होगा सेंट्री, सेंट्री फ्यूगल फोर्स से इसको इधर खींचना चाहेगा। किस फोर्स से खींचना चाहेगा, सेंट्री फ्यूगल फोर्स से इसको इधर खींचना चाहेगा। अब अगर मान लो फ्रिक्शन जीरो है, अगर फ्रिक्शन जीरो, पहली कंडीशन लेते हैं फ्रिक्शन जीरो है, तो इसका वेट तो एम जी नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन चूंकि देखो ये ना ऐसे टिल्ट रहेगा, देखो अगर ये अगर ऐसे रहता तो नीचे की तरफ एम जी लगता और इसका परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल एक्शन लगता, लेकिन अगर ये ऐसे टिल्टेड है तो वेट तो अभी भी नीचे लगेगा, लेकिन नॉर्मल एक्शन इसका आपका इसके एम जी को बैलेंस कर पाएगा नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका इस तरीके से कुछ होगा, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा आपका कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, समझ पा रहे हो, एन साइन थीटा, और यही एन साइन थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा, एन कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा, और एन साइन थीटा जो होगा यही रिक्वायर्ड, यही रिक्वायर्ड आपको क्या देगा, यही रिक्वायर्ड आपको सेंटीपेटल फोर्स देगा। सेंटीपेटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों को डिवाइड कर दोगे आप तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा, यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा,
या वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा या वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड है मतलब रोड आपकी उठी हुई ऐसे उठी हुई है ना, उठी हुई है। तो अगर ये फ्लैट रहता ठीक है, लेकिन अगर ऐसे उठी हुई है ना, ऐसे उठी है तो बेड तो इसका नीचे की तरफ, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड सरफेस में हो जाएगा, मतलब जितना भी इंक्लाइंड हुआ होगा उससे, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर एन कॉस थीटा वाला एम जी को बैलेंस करेगा और उसका जो साइन थीटा वाला कोएफिशिएंट रहेगा यही रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स देगा, यही रिक्वायर्ड सेंटीपेटल फोर्स देगा। ये बैंक रोड के लिए था, लेकिन इस कंडीशन में हमने फ्रिक्शन फोर्स को जीरो माना है, इस कंडीशन में हमने फ्रिक्शन फोर्स को जीरो माना है। तो आपका जो फॉर्मूला आता है वी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा आता है, वी इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा आता है। अब अगर हम लोग बैंक्ड रोड है लेकिन फ्रिक्शन को कंसीडर करें, फ्रिक्शन को क्या करें, कंसीडर करें, अगर हम लोग बैंक्ड रोड है और फ्रिक्शन को कंसीडर करें तब क्या कंडीशन बनती है, आइए उसको समझते हैं। अगर हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करें तब क्या बनता है सिचुएशन, उसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो कुछ इस तरीके की बात है, ठीक है, इस तरीके की बात है, ये आपका मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, यही एंगल कितना उठा हुआ है, ये रोड कितना उठा हुआ है, वही एंगल है, ठीक है, ये रोड एंगल आपका उठा हुआ है। इस तरीके से मान लीजिए ये कार है, ये कार है, तो इसका वेट तो आपका नीचे की तरफ लगेगा एम जी, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा आपका एम जी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, वेट नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में एन, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एन लगेगा, ठीक है। इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू इंटू एन, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, म्यू इंटू एन ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इतनी बातें इसमें होंगी, अगर इनको रिजॉल्व करना चाहें हम लोग, देखो इस तरीके से अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करना चाहें तो इधर नीचे की तरफ एम जी, ठीक है, नीचे की तरफ एम जी, ये आपका म्यू एन, ठीक है, ये आपका एन, ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब देखो अगर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा, कोई दिक्कत, एन साइन थीटा, और इसको भी रिजॉल्व कर लो, इसको म्यू एन को रिजॉल्व करोगे, म्यू एन को रिजॉल्व करोगे तो ये आपका, ये एंगल आपका थीटा था ना, ये देखो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा था, तो इधर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, म्यू एन कॉस थीटा, और इधर म्यू एन साइन थीटा देगा, तो ये हो जाएगा म्यू एन साइन थीटा, ये हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा। तो हमने फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स को भी रिजॉल्व कर लिया, नॉर्मल रिएक्शन को भी निकल रहा है, एम जी है। अच्छा, इस सिचुएशन में जैसे जैसे आपकी ना आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये बॉडी बाहर की ओर जाना चाहिए, और बाहर की ओर उसको ले कौन जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन फोर्स ले जाना चाहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें, अब अगर हम लोग फोर्स बैलेंस लिखें तो लिख सकते हैं एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा, म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी, या यहाँ से लिखना चाहो तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन, म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर वन है, ठीक, इधर बैलेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल बैलेंस करो तो एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ये सेंटीपेटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। अब टू बाई वन कर दो, दो में एक का भाग दे दो, तो भाग दे दो भाई, तो एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर से ये लिख लो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या है आपका, ठीक है, ये नीचे आएगा एम जी, नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम से एम कैंसिल, देखो सब जगह एन है तो एन 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 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक, इधर आ गया इनटू इनटू, ध्यान से देखो ये जी है, आर भी नीचे आएगा तो आर जी इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर, या वी की फाइनल वैल्यू आप ले सकते हो अंडर रूट में लेके, अंडर रूट कितना हो जाएगा
देखो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू आर जी इंटू आर जी, ये आई वेलोसिटी की वैल्यू जब बैंक्ड रोड हो और वहाँ पर फ्रिक्शन भी कंसिडर किया जाए, बैंक्ड रोड हो और वहाँ फ्रिक्शन भी कंसिडर किया जाए, तो इस तरीके की बात होगी, इस तरीके की बात होगी। क्या समझ पा रहे हो आप, क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर रिजॉल्व करने के लिए आप समझ रहे हो तो एन को तो रिजॉल्व कर ही पाओगे, एन को तो आप देखो ऐसा समझो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या इधर से यहीं यहाँ से अगर हम लोग लेते इसको ऐसे भी लेते तो भी आप समझ पाते, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो इधर आपका म्यू एन कॉस थीटा देगा, ये देखो हमने लिखा है म्यू एन कॉस थीटा, इधर देगा म्यू एन साइन थीटा, तो ये भी हमने लिखा है म्यू एन साइन थीटा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? इधर से आपका ये थीटा हो जाएगा तो ये एन कॉस थीटा देगा और इसका इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा देगा, हो गया रिजॉल्व, ठीक है, इसी को बैलेंस किया गया, इसी को बैलेंस किया गया। तो इस तरीके से हमने सर्कुलर मोशन के पोर्शन को कवर किया है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।